पेट्रोल की कीमतें देश के कई महानगरों में 100 रुपये के पार चली गई हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर होने से हर कोई परेशान है। ऐसे में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रहने वाले एक आदिवासी युवक ने 1 सीटर और 3 पहिया वाला जुगाड़ वाहन बनाया है। बैटरी से चलने वाली ये मिनी कार एक बार चार्ज करने पर 40 किलोमीटर तक दौड़ती है। आदिवासी युवक अर्जुन चोरे के दावे के मुताबिक इसे बनाने में करीब 25,000 रुपये खर्च हुए हैं। 27 साल के अर्जुन नंदुरबार नगर पार्षद में इलेक्ट्रिक फिटर हैं। अर्जुन ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में डिप्लोमा किया है। अर्जुन के मुताबिक उसे हर महीने अपनी कम सैलरी से करीब 2,500 रुपये पेट्रोल पर खर्च करने पड़ते हैं। इसी से बचने के लिए उसने घर पर ही जुगाड़ वाहन बनाने का फैसला किया। मिनी कार को बनाने के लिए अर्जुन ने 144 लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया। इसमें रिवर्स गियर, हाइड्रो ब्रेक, इंडिकेटर, हेडलाइट के साथ शॉक एब्जॉर्बर भी लगे हुए हैं। बॉडी के लिए प्लास्टिक और मेटल अर्जुन ने स्क्रैप में जूना बाजार से खरीदा। अर्जुन के पिता किसान हैं और माँ घर संभालती है। इस मिनी कार ने अर्जुन को आसपास के क्षेत्र में चर्चित कर दिया है। अर्जुन जब भी इस बैटरी ऑपरेटर वाहन को लेकर निकलते हैं तो लोग रुक कर इस अजूबों की तरह देखना शुरू कर देते हैं। हर कोई इसमें बैठकर सवारी करना चाहता है। अर्जुन फिलहाल इसे सिर्फ नंदुरबार शहर में ही सड़क पर लेकर निकलते हैं। अर्जुन के मुताबिक इस वाहन का ना रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा है। पहले अर्जुन को हर महीने करीब 65 यूनिट बिजली का बिल भरना पड़ता था। अब वाहन की चार्जिंग की वजह से 12 यूनिट बिजली की अधिक खपत हो रही है। अर्जुन का कहना है कि अब हर महीने 108 रुपये बिजली के अधिक देने पड़ते हैं, लेकिन पहले पेट्रोल पर खर्च होने वाली 2,500 रुपये की तुलना में ये नाममात्र ही खर्च है। धुन के पक्के अर्जुन का अगला लक्ष्य बैटरी चार्जिंग के लिए इस वाहन में सोलर चार्जिंग पैनल से फिट करने का है। अर्जुन इन दिनों इसी पर काम कर रहे हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।